Yesterday, what we have done the concept of the GP and some examples that supports to our concepts. Okay, तो जो हमने कल किया है वो हमने कुछ questions किए थे और एक concept किया था कि GP होती क्या है और किस तरीके से उसका sum या nth term find करते हैं. तो आज क्या करते हैं उसी questions को अपनी अपनी exercise 9.3 को continue करते हुए चलते हैं. ठीक है, अपनी एक्सरसाइज 9.3 जो हमारी एक्सरसाइज है उसी एक्सरसाइज को हम कंटिन्यू करते हैं. एंड क्वेश्चन इज द फिफ्थ एट्थ एंड इलेवेंथ टर्म ऑफ ए जीपी. द फिफ्थ एट्थ एंड इलेवेंथ टर्म ऑफ ए जीपी of a GP is PQ and S respectively. ठीक है, respectively show करना है हमें. We have to show that जो main चीज है, what we have to show that Q square is equal to PS. हमें show करना है जो Q square जो बन जाए वो हमारा आए PS के बराबर. ठीक है ना, ये हमें शो करना है. नाउ सो एज वी नो दैट द फिफ्थ टर्म इज अवर पी, यानी कि ए फाइव गिवन है हमें. सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो हम गिवन क्या है हमें, गिवन है हमें ए फाइव इज पी. ओके ओके, एक मिनट. बट वी हैव ए फाइव इज अवर पी, उन्होंने बोला फिफ्थ टर्म हमारी फाइव है, सॉरी पी है. और एट्थ टर्म उसने बोला है हमारी क्यू है. एट्थ टर्म हमारे कितना बन रहा है, क्यू बन रहा है. उसके बाद उसने बोला है कि जो हमारा इलेवेंथ टर्म बन रहा है वो हमारा बन रहा है एस. क्या बन रहा है इलेवेंथ टर्म हमारा, एस बन रहा है. सो अब हमें ए फिफ्थ लिखना है. ए फिफ्थ क्या होगा आपका भाई, ए आर फोर इज इक्वल टू पी होगा. या यही लिख लेते हैं, रुको. ये हमारा ए फाइव कितना होगा, ए आर फोर होगा. ए एट कितना होगा, ए आर सेवन होगा. और ए इलेवन कितना होगा, ए आर टेन होगा. ठीक है, तो हमें क्या शो करना है, वी नीड टू शो. हमें शो क्या करना है, टू शो में हमें शो करना है कि क्यू स्क्वायर जो बन जाए वो पी एस के बराबर बन जाए. तो पहले तो पी इंटू एस निकाल लेते हैं. P इंटू एस बनेगा कितना, तो P हमारा A इंटू आर की पावर 4 और A इंटू आर की पावर 10. तो ये हमारा बन जाएगा भाई, बेस बेस मल्टीप्लाई होके A स्क्वायर हो जाएगा और R की पावर मिलके 14 हो जाएगा. ठीक है, तो ये तो हमारा Q P इंटू एस हो जाएगा. दूसरा Q स्क्वायर, Q स्क्वायर करते हैं. देखो A R की पावर 7 का हम स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर की पावर 14. ठीक है, तो यहां पर हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया. इट मींस दिस इंप्लाइज क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस. इसका मतलब क्या है, क्यू स्क्वायर हमारा किसके बराबर है, पी एस के बराबर. क्लियर है भाई. समझ में आ गया कैसे करना है क्वेश्चन को. ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स. क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, कि द फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज द स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म. द फोर्थ टर्म यानी कि ए फोर इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, यानी कि ए टू का स्क्वायर है फोर्थ टर्म. एंड द फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है इज थ्री. फर्स्ट टर्म आपको कितना दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म इज थ्री. फर्स्ट टर्म आपको थ्री के बराबर दिया. आपको ए सेवन यानी कि यू हैव टू फाइंड डिटरमाइनिंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सेवन. ए सेवन की वैल्यू निकाल. ठीक है, तो देखो यहाँ ए फोर और ए सेकेंड टर्म का स्क्वायर यहां से आपका क्या बनेगा, इसका मतलब बनेगा कि ए आर क्यूब बराबर है
ए आर के स्क्वायर के बराबर, ठीक है ना भाई। ए फोर का मतलब होता है ए आर क्यूब, और ए टू का मतलब होता है ए आर और उसके स्क्वायर के बराबर है। तो यानी कि दिस इम्प्लाइज ए आर क्यूब अगर हमारा ए स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ से हमारा आर क्यूब आर से कट गया, ए ए से कट गया, तो यानी कि इसका मतलब है जो ए है वही हमारा आर है, जो ए है वही हमारा क्या बन रहा है इसमें आर बन रहा है। तो हमें क्या फाइंड करना है, सिर्फ ए सेवन, ए सेवन कितना होगा, ए आर की पावर सिक्स, ए कितना है हमारा थ्री, और जो ए है वही आर के बराबर, तो आर भी कितना है हमारा थ्री, तो यहाँ थ्री की पावर सिक्स, यानी कि हमारा जो बनेगा थ्री की पावर सेवन बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा, थ्री की पावर सेवन बन जाएगा, ए सेवन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने आप कर लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। फिर हम करते हैं इस नेक्स्ट टू नेक्स्ट, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स। फिफ्थ आप अपने आप करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो फिफ्थ क्वेश्चन आपको खुद करना है। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमसे पूछा है फॉर व्हाट वैल्यू, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द नंबर -2/7 कॉमा एक्स और कॉमा -2/7 आर इन एपी जीपी, सॉरी आर इन जीपी, आर इन जीपी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो देखो कभी भी दो तीन टर्म का अगर जीपी हो, हमेशा इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखना, अगर आपका तीन टर्म यानी कि ए बी सी आर इन जीपी, ये तीन टर्म हमेशा जीपी में तब होंगी जब उसका मिडिल टर्म का जो स्क्वायर होगा पहली और तीसरी टर्म के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ये कंडीशन होती है तीन टर्म के जीपी में होने की। क्या कंडीशन होती है, जो मिडिल टर्म का जो स्क्वायर होता है, जो मिडिल टर्म का जो स्क्वायर होता है उसमें आपका पहली टर्म और तीसरी टर्म के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये जीपी में दे रखा है, इसका मतलब एज -2/7 एक्स एंड -2/7 आर इन जीपी, ये आपको जीपी में दिया हुआ है। देयर फोर जो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो -2/7 × -2/7 होगी, यानी कि माइनस माइनस कैंसिल होकर स्क्वायर रूट करोगे तो एक्स की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 2/7, ठीक है ना। अच्छा 7/2 है, सॉरी -2/7 नहीं, 7/2 है अगली वाली टर्म जो है इसमें। एक सेकेंड, ये 2/7 ही है यार, 2/7 है तो ये बनेगा, अगर 7/2 दे रखा है क्या बुक में, एक बार चेक करना भाई बुक में, 7/2 है क्या। अगर ऐसा है तो +-2/7 बनेगी, यानी कि एक्स की दो वैल्यू बनेगी, +2/7 और -2/7। अगर ये वैल्यू 7/2 दे रखी हो तो +-1 बनेगी। कई बार क्वेश्चन -7/2 है ना, हाँ, तो फिर वहां पर +-1 बन जाएगी। अगर ये वैल्यू आपको -7/2 दे रखी है तो वहां पर एक्स की वैल्यू का आंसर क्या आएगा, +-1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, जो भी वैल्यू दे रखी है उसको कॉरेस्पॉन्डिंग हम आराम से निकाल लें, ठीक है। तो बुक के अकॉर्डिंग यहाँ -7/2 कर लो, तो यहाँ -7/2 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू +-1 आ जाएगी, ठीक है, क्लियर है बुक के अकॉर्डिंग। वो भी आप अपने आप कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 8 भी आप अपने आप कर सकते हो, कोई मुश्किलात नहीं है उसमें। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, 10th तक आप क्वेश्चन अपने आप बना सकते हो, 10th क्वेश्चन तक कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन करने में। अगर इन एक केस अगर किसी को दिक्कत आती है तो कल बता देना, उस क्वेश्चन को हम डील कर लेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10th तक अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो टुमारो यू कैन टेल मी,
सो हम उस क्वेश्चन को बना लेंगे। ठीक, देखा मैंने बोला था ना, हिमांशु आएगा और सबसे पहले बोलेगा हिमांशु इज प्रेजेंट सर। सिंपल सिंपल जीपी के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है उसमें। अगर इन केस फिर भी अगर आपको दिक्कत आए तो मैं बता दूंगा उसको, कोई ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट क्लास में मुझे बस मैसेज कर देना कौन सा क्वेश्चन नंबर नहीं हुआ, वो क्लास में ले लूंगा क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, पूछा गया है कि इवेल्युएट करना है हमें समेशन के टू 1 टू 11 एंड 2+3 की पावर के। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ। देखो यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया चीज दी हुई है, समेशन। बच्चों को दिक्कतें आती है समेशन के अंदर, ये समेशन जो है सर इसे डील करना सिखाओ। तो क्या करना है, समेशन को आपको एक्सपेंड करना सभी को आता है। ठीक है, क्या करना है, वन वन टर्म को पुट करते जाना है और इसका समेशन खोलते जाना है। तो यहाँ पर पहली टर्म के की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 2+3। फिर क्या बनेगा, 2+3 का स्क्वायर, फिर बनेगा 2+3 क्यूब। बीच में प्लस करते जाओ, समेशन है ना तो प्लस करते जाओ हर एक टर्म को। फिर 2+3 का क्यूब, फिर 2+3 की पावर 4। ऐसे करते करते आप कहाँ तक करोगे, 2+3 की पावर 11 तक करोगे। तो यहाँ पर आप लिख लो 2+2+2, आपने जितना करा है लास्ट में 2 11 टाइम्स करा होगा आपने, क्योंकि तो हमारे पास के कहाँ से वेरी कर रहा है, 1 से लेकर 11 तक। तो यहाँ आपने 11 टाइम्स करा होगा 2 को ऐड। प्लस में क्या है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 11 तक आपका ये सम जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। समेशन को ओपन करा है बस, प्लस लिखा है हर एक टर्म के लिए, कुछ नया नहीं है। अब देखो भाई 11 टाइम्स ये ऐड हो रहा है 2, तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ये तो इसकी तो बात ही खत्म, इसका तो सिंपल हम एडिशन कर लिया। दूसरा क्या है, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 11 में हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, जीपी फॉर्म हो रहा है। इसमें क्या फॉर्म हो रहा है, जीपी। ठीक है ना, कॉमन रेशियो क्या आ रही है इसमें हमारी, आर आ रहा है 3, एन की वैल्यू कितनी है 11। ठीक है, तो यहाँ पे आर क्या है हमारा, ग्रेटर देन 1 है, तो हम एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये हमारा एस एन का फॉर्मूला है। ठीक है, अब ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 3 है, आर की वैल्यू भी 3 है, और नीचे कितना आ जाएगा, 3 माइनस 1 यानी कि 2। तो इसका सम हो गया 22+3/2 ब्रैकेट 3 की पावर n-1। ये हमारा पूरा इसका समेशन आ जाएगा, सम आ जाएगा इस समेशन का। क्लियर है भाई सभी को, डाउट है तो बताइए इसमें, और क्लियर है तो क्लियर है बोल दीजिए, या यस बोल दीजिए, वाई बोल दीजिए, जो भी टाइप कर रहे हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, वेरी गुड। आकाश को तो क्लियर है भाई, खुशबू को भी क्लियर है, भावना को भी क्लियर है। टू सिक्स फाइव सेवन फोर वन ये क्या था भाई, ये 1 मिनट ये समझाओ। हम क्या पुट कर देंगे, 11 पुट कर देंगे। कंप्लीट सॉल्व, ठीक है, कंप्लीट सॉल्व का आंसर भी अंकित ने बता रखा था, 2 6 5 4 7 1, ये उसका कंप्लीट आंसर आ जाएगा। नहीं तो यहाँ भी लीव कर सकते हो आप इसको, आप पेपर में 3 की पावर 11 तक ही छोड़ सकते हो। ठीक है, हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 बेसिकली, एंड दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द 2 मार्कर और 3 मार्कर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बोला है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स यानी कि a1+a2+a3, इस तरीके से बोल दिया कि इनका सम तो 39/10 है, एंड इनका प्रोडक्ट यानी कि a1 * a2 * a3 का प्रोडक्ट जो है वो है आपके पास 1। देन यू हैव टू फाइंड फाइंड आपको कॉमन रेशियो निकालना है, आर की वैल्यू निकालनी है और टर्म्स निकालनी है, यानी कि ए वन की भी वैल्यू निकालनी है, ए टू की भी वैल्यू निकालनी है, a1 a2 a3 की वैल्यू निकालनी है, फाइंड a1 a2 a3 भी करना है। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, और काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो कभी भी ऐसा कुछ देखो कुछ ना जीपी में या एपी में मैंने आपको देखो जब आप एपी में करते थे तो आपको पता था जब सम ऑफ थ्री टर्म्स करना होता था तो आप थ्री टर्म्स ही लेते थे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी हमेशा लेते थे। ऐसे ही जीपी में जब सम ऑफ थ्री और या प्रोडक्ट ऑफ थ्री दे रखा हो, जब बेसिकली आपको प्रोडक्ट ऑफ थ्री दे रखा हो तो आपको अपनी ए वन को ए बाय आर मानना है, ए टू को ए मानना है और ए थ्री को ए आर मानना है। सब में आर मल्टीप्लाई करोगे तो जीपी बन जाएगा। स्टैंडर्ड टर्म्स जो माननी होती है वो ये माननी है, ये आपको याद रखना है, नीड्स टू रिमेम्बर, रिमेम्बर वाली बात है, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। कि कभी भी प्रोडक्ट दे रखा हो जीपी में और तीन टर्म की बात हो तो वो तीन टर्म नेमली आप ये मानोगे, जैसे एपी में सम में हम ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी मानते थे, पहली बात। दूसरी बात, आप इसको पुट कर दो, देखो हमारा बना ए बाय आर प्लस ए प्लस ए आर इज इक्वल टू 39/10 एंड प्रोडक्ट है हमारा ए बाय आर इंटू ए आर इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज आर आर तो से तो कैंसिल हो गया, ए की क्यूब बना हमारे पास यहाँ 1, तो यहाँ क्यूब रूट ऑफ 1, क्योंकि यहाँ जीपी की बात हो रही है, क्यूब रूट ऑफ 1 1 ही लिया जाएगा। वैसे क्यूब रूट ऑफ 1 का पूरा सॉल्यूशन होता है लेकिन यहाँ सिंपली एक रूट जो बनता है उसका 1 भी बनता है, तो क्यूब रूट ऑफ 1 को 1 ही मानेंगे यहाँ। इसके बाद अगर आप इसको 1 को पुट करोगे तो आपका इक्वेशन बनता है 1 बाय आर, इक्वेशन 1 मान लीजिए, तो पुट ए इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। 1 में आपने पुट कर लिया तो वी गेट क्या मिलता है हमको इसमें, 1 बाय आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 39/10, ये मिल रहा है हमको। इसमें अगर हम आर का एलसीएम लें तो आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 इज अपॉन में आर इज इक्वल टू 39/10 बनेगा। अब इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, नाउ वी कैन डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। उसमें क्या बनता है हमारा भाई, 10R² प्लस 10R प्लस 10 इक्वल टू 39R, तो यहां बन जाएगा आपका 10R² माइनस का 29R प्लस का 10 इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर हो जाएंगे, 10R² माइनस का 25R माइनस का 5R प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहां आप 5R को कॉमन ले लीजिए तो यहां बन जाएगा 2R माइनस 5 एंड माइनस 5 यहां भी कॉमन ले लीजिए, तो इट्स 4R, सॉरी 4R, 25 4R, ठीक है, इट्स 4R। तो यहां 2 कॉमन ले लीजिए तो यहां भी आ जाएगा 2R माइनस 5, थैंक यू, 2R माइनस 5, तो यहां पर आपका हो जाएगा 2R माइनस 5 एंड 5R माइनस 2, ठीक है। तो ये वैल्यू, आर की वैल्यू आएगी या तो 5/2 आएगी आपके पास, या फिर आर की वैल्यू बनेगी आपके पास 2/5, ठीक है ना। तो ये तो हमारी कॉमन रेशियो हो गई। फिर हमें ए वन ए टू ए थ्री फाइंड करना है, तो ए वन ए टू ए थ्री हम फाइंड कर लेंगे। पहला ए वन बनेगा कोरस्पॉन्डिंग 5/2 के लिए अलग बनेगा, 2/5 के लिए अलग बनेगा, तो उसको कंप्लीट कर लेंगे। आगे समझ क्वेश्चन ये, तो कभी भी ध्यान रखना प्रोडक्ट अगर तीन टर्म्स का दे रखा है तो उसमें इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करते हुए चलना।